मंगलवार देर रात करीब 1:58 पर भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देर रात आए भूकंप ने करीब 2 झटके दिए जिनको लोगों ने महसूस किया। भूकंप के झटकों को महसूस कर दिल्ली एनसीआर की कॉलोनी और मोहल्लों में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। देर रात आए भूकंप के झटके दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में महसूस भी किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक देर रात आए भूकंप की तीव्रता 6.3 थी और इसका केंद्र नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रिएक्टर स्केल के अनुसार 5 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप खतरनाक माना जाता है, जबकि देर रात आए भूकंप की तीव्रता 6.3 थी, यानी कि भूकंप का जो रूप था वह काफ़ी खतरनाक हो सकता था। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को जान माल का खतरा नहीं हुआ। फिलहाल भूकंप के झटके गुजर चुके हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर ये भूकंप आता क्यों है? तो आइए आपको इस भूकंप के आने की वजह बताते हैं। दरअसल भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेट्स का टकराना होता है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब यह प्लेट्स किसी जगह पर आकर आपस में टकराती हैं तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और प्लेटों की सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन्हीं प्लेट्स के टूटने की वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मान लेते हैं। तो क्या देर रात आए भूकंप के झटके आपने भी महसूस किए? और अगर किए हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए। पता चला कि भाई जमीन हिली है। हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिली। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। आज महसूस हुआ है जब सवारी उतारा तो समय सवारी कर रही है, क्या हो रहा है। मैंने थोड़ा धरती वगैरह ढूंढ लिया, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। इसके बाद बहुत बहुत ऐसे बंदों को पता भी चला, बहुत ऐसे बंदों को पता भी नहीं चला।